Welcome everyone. Today we are going to discuss a new topic that is TS of anther and इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम के भी नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ना है। इस वजह से माइक्रोस्पोरेंजियम समझेंगे फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझेंगे। हम लोग ने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि जो एंथर हमारा बायलोट होता है, अब इसके टीएस को हम इस तरीके से काटेंगे। टीएस हमने आपको बताया था किसी पे तलवार चलानी है तो टीएस, किसी पे हथौड़ा चलाना है तो वो एलएस होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये हुआ ट्रांसवर सेक्शन। तो ट्रांसवर सेक्शन जब देखेंगे तो हमने आपको बताया था बायलोट है और डायथिकस है, और यहाँ पे ऐसे आपका थिकस फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसी को स्ट्रक्चर प्लस इसके पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर देखें इसके स्ट्रक्चर को तो डायथिकस है, क्लियर, डायथिकस है, और इसके बीच में जो प्रेजेंट था वो है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है आपका माइक्रो, इधर लिख माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये पॉलन सैक बन जाते हैं, और इसी पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि आपकी मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन यही क्या है, मेल गैमेट है, इसी का ट्रांसफर होना है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएस में जो लेयर होती है वो फोर लेयर्स की होती है। कितने लेयर्स की है, फोर लेयर्स की। तो पहली जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर आपकी आती है एपिडर्मिस। कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के पॉइंट्स को हम यहां पर लिखते हैं। एपिडर्मिस जो है आपकी सिंगल लेयर है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सिंगल लेयर। सिंगल के साथ साथ ये क्या है, आउटर है, तो आउटर लेयर। और जो सेल्स होती हैं ये फ्लैट सेल्स होती हैं, क्लियर। तो सिंगल, आउटर एंड फ्लैट सेल्स होते हैं, यही इसमें तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर दूसरी लेयर्स आती है जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी क्या है आपकी सिंगल लेयर है, क्या है, सिंगल लेयर है। यहाँ सेकेंड हो गई आपकी एंडोथीसियम, ये भी क्या है, सिंगल लेयर है, पर ये कॉम्पैक्ट होती हैं। क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, प्लस क्या होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। और यहां पर जो है कि जिस चीज की थिकनिंग होती है दैट थिकनिंग इज कैलोस, कैलोस थिकनिंग। तो यहां पर ये दो पॉइंट जो है रेडियली अरेंज और कैलोस की जो थिकनिंग होती है ये एंडोथीसियम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। जो थर्ड लेयर आती है, द थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। हम इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पर है। तो मिडिल लेयर टू टू थ्री लेयर, थ्री टू फोर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है आपकी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और यहां पर मिडिल लेयर्स के पॉइंट्स को लिखते हैं। मिडिल लेयर्स क्या है, थर्ड आपका है मिडिल लेयर, थ्री टू फोर लेयर्स की ये होती हैं, और ये पेरेन्काइमाटोस सेल होते हैं, पेरेन्काइमाटोस सेल्स होती हैं। जो आप पेरेन्काइमा पता होगा सिंपल टिश्यू है उसी से ये बने होते हैं। प्लस इसमें जो अपर थ्री लेयर्स हैं, अपर थ्री लेयर्स ये हेल्प करते हैं आपको डेहिसेंस में, डेहिसेंस में।
अब ये डहिसेंस क्या होता है, मतलब ये जो होती हैं रप्चर्ड हो जाती हैं, दे रप्चर्ड एंड एंथर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है यहां से निकलते हैं। तो डहिसेंस की मीनिंग आप लिख लीजिए, अगर यहां पे लिखना है तो रप्चरिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। तो ये जब एंथर रप्चर्ड होंगे, मतलब मिडिल लेयर रप्चर्ड होंगी, अपर थ्री लेयर, तो यहीं से पोलन ग्रेन्स आपके निकलते हैं। एंड द फोर्थ लेयर इज कैपिटम, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, कैपिटम होते हैं, और ये पिरामिडल इन शेप होते हैं। पिरामिडल इन शेप्स होते हैं, पिरामिड्स आपके ट्राइंगुलर इन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। ये आपके पिरामिडल इन शेप होते हैं। फिर आपका यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, ये ठीक है। तो ये आपका थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर आ गया, इनर मोस्ट इज कैपिटम, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पेरेन्काइमाटोस लेयर्स होती है मिडिल लेयर्स में, और हेल्प करते हैं यहाँ पे डहिसेंस में, रैप्चरिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। और यहाँ पे दो पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कैपिटम है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, ठीक है, दो मार्क्स एक मार्क्स से जो आते हैं, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। सबसे पहले फोर्थ वन इज कैपिटम, ये इनर मोस्ट होते हैं, इनर मोस्ट लेयर है आपका। और इसका जो शेप है, शेप कैसा है, पिरामिड या पिरामिडल शेप है, ठीक है। और ये जो कैपिटल सेल्स हैं, ये जो है इनकी जो थिकनिंग्स होती है साइटोप्लास्ट की थिकनिंग होती है। तो कैपिटल सेल आर थिक विथ साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट की थिकनिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो फंक्शन पूछता है, फंक्शंस इसके क्या हो जाएंगे। सबसे पहले ये न्यूट्रिटिव लेयर होते हैं, फंक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा, न्यूट्रिटिव लेयर, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर। और ये प्रोवाइड किसको करेंगे न्यूट्रिशन, ये आपके माइक्रो स्पोर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रो स्पोर्स, माइक्रो स्पोर्स को ये जो है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्लस सिक्रीशंस में भी इनका रोल होता है। तो ये जो है आपके इंजाइम सिक्रीट करेंगे, प्लस यूबिस बॉडी आपके सिक्रीशंस करते हैं। तो सबसे पहले इंजाइम, सेकंड पॉइंट आपका हो गया इंजाइम का सिक्रीशन ऑफ इंजाइम, जिस इंजाइम को सिक्रीट करते हैं उसका नाम है आपका कैलेस, कैलेस जहां पर ए एसी लग जाता है वो इंजाइम हो जाता है। तो ये जो कैलेस है इसका क्या रोल होता है, ये डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व कैलोस ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रैट, जब आगे ये डिवाइड होंगे माइक्रोस्पोर और टेट्रैट फॉर्म में, उसको डिसॉल्व करने में ये एंजाइम मदद करता है, जो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है फॉर्मेशन सिक्रीशन ऑफ यूबिश बॉडी, यूबिश बॉडी, यूबिश बॉडी क्या है, एक कोटेड होती है, एक थिक कवरिंग हो जाती है, और वो जो है स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती हैं। तो सिक्रीशन ऑफ यूबिश बॉडी कोटेड विथ स्पोरोपोलिन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, स्पोरो
पॉलिनियम, ठीक है। और ये जो है सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है इन द लिविंग वर्ल्ड, तो यहां पे आप लिख लीजिए मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द लिविंग वर्ल्ड स्पोरोपोलिनिन। ये हुआ, प्लस यहां पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन की भी होती है, तो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट यहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉलन किट में आपका कैपिटम दो सब्सटेंस फॉर्म करता है, एक है आपका ग्लैंडुलर एंड सेकेंड वन इज अमीबॉइड। यहां पे क्या है, ग्लैंडुलर में ये सिक्रेटरी होते हैं और ये प्लाज्मोडियल होते हैं, क्लियर। तो ये है आपका एंट्रियस ऑफ एंथर और माइक्रो स्पोरेंजियम, क्लियर। तो चार लेयर्स होते हैं, मगर एफटीएस को हम करेंगे तो चार लेयर आपको दिखेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर एंड कैपिटम। और कौन सी लेयर किससे बनी हुई है, ये भी सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है, ये आपके मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। ये आपके पिरामिडल शेप्स हैं, पिरामिड्स के शेप में होते हैं, ये सिंगल लेयर है, यहाँ पे कैलोस का और रेडियली अरेंज होते हैं, ये मिडिल लेयर है, जो तीन लेयर जो हेल्प करते हैं डहेशंस में, जिसके जब एंथर रप्चर्ड होते हैं तो पोलन ग्रेन्स यहीं से निकलते हैं। प्लस हमने आपको टेपिटम्स के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया, ठीक है। तो ये है आपका टीएस ऑफ एंथर, थैंक यू।